चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जब प्रशासन अवैध कारोबारियों से ही मिला हो और सरकार नींद में हो तो आम जनता के सब्र का बांध टूट जाता है, और यही हुआ है सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम बोडार में, जहां ग्रामीणों ने रेत के अवैध कारोबारियों पर नकेल कसते हुए रेत से भरे हुए ट्रकों को खड़ा कर दिया। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर एसडीएम पहुंचे और समझाइश दी गई, तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने वाहनों को थाने ले जाने दिया और कारोबारियों को छोड़ा। गांव के पास से ही गुजरने वाली हसदो नदी पर लगातार रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जलस्तर घटता जा रहा है। भविष्य में जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए पूरे गाँव के ग्रामीण एकजुट हो गए और रेत के अवैध उत्खनन में रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ जाता है, तरफ जाएंगे, बैला मवेशी हैं उन लोग को पीने के लिए नहीं मिलता था, और नहाने धोने के लिए मनुष्य को भी गिर जाना पड़ता है। रेगुलर जो है रेत खनन कर रहे हैं, कई बार गांव वाले लोग मिल करके बनाने का प्रयास भी किए तो उल्टा चमकाया धमकाया।